हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनश्यूज लाइक। अरे मैं व्लॉग शुरू करते ही ब्रूनो उसने खा लिया उसने। यहाँ मैं बना रही हूँ खाना और यहाँ चल रही है पढ़ाई मिताशी की। और देखा देखी आरव तो पूरा लेट लेट के पढ़ रहा है, बस कभी भी गिर जाएगा। आरव संभाल के नीचे आ जाएगा, ऊपर हो के बैठ बेटा, ऊपर हो। हाँ तो ये चल रही है आरव की पढ़ाई, देखा देखी सब काम। गिरेगा, ऊपर हो जा। और ये ब्रूनो, हाँ अब ब्रूनो भाई सब भी हमारे साथ है, ये हमें छोड़ते नहीं है, हम जहाँ रहेंगे ये वहीं बैठे रहेंगे। क्यों ब्रूनो, गुड बॉय। इनको चाटना रहेगा, सिर्फ हाथ चाट लेंगे पहले ही, ठीक है। मैं सब्जी भी देख लूँ, पता चला सबको देखते देखते सब्जी रह गई मेरी। तो मैं व्लॉग शुरू कर रही थी, वेलकम बैक टू अनश्यूज लाइव। और यहाँ पे व्लॉग मैं इसीलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो व्लॉग शायद एक आध क्लिप पढ़ के ऐसे ही रह जाता है पूरा हो ही नहीं पाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और मैं, और दिवाली के दिन से, मतलब उस दिन आपने वो व्लॉग देखा होगा कि रात में बारिश हुई, उसके बाद से कंटिन्यूस यहाँ पे बारिश हो जा रही है क्योंकि वो साइक्लोन आ रहा है तमिलनाडु में उसकी वजह से। और वेदर इतना ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर पहना है, बच्चों ने भी स्वेटर पहन रखा, आपने क्लिप में देखा। और बाहर मैं दिखाती हूँ, पूरा फॉग सा हो रखा है। और वो पूरे टाइम जो पहाड़ों में बरसात होती है ना, टिप 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 करके बारिश होना, वही हो रहा है कंटिन्यूस। कपड़े सूख नहीं रही हैं यहाँ पे, मैंने चेयर में किचन पे कपड़े डाल रखे हैं, यहाँ वहाँ सब जगह मेरे घर में आपको कपड़े ही कपड़े दिखेंगे क्योंकि वो सूख नहीं रहे हैं। और विंटर वाले भी मैंने निकाल लिए हैं काफ़ी दिन से, तो वो भी धोए हैं, वो भी नहीं सूख रहे हैं, तो यही चल रहा है। ये देखिए सूख ही नहीं रहे हैं मेरे, और भी कपड़े बाहर जबकि टंगे हुए हैं ये भी नहीं सूख रहे हैं, ये कल के धुले हैं, सब एज इट इज़ हैं। और वेदर दिखाती हूँ आप लोगों को, ओहो अब ब्रूनो ने एक कलर खा लिया मिताशी का। ये देखिए वेदर कैसा सा हो रहा है, पूरे टाइम ही ऐसा ही मौसम बना हुआ है। अरे उसकी बुक फट रही है मिताशी, छोड़ दे बेटा। और ये लोग यही पढ़ना है इनको स्लैब पे, आगे हो जाओ मिट्टू थोड़ा, पढ़ाना है तो इस तरह पढ़ाओ बच्चों को या तो ना पढ़ाओ, ऐसा वाला हाल है। तो किचन पे ही पढ़ा रही हूँ मैं इन लोगों को। ये देखिए फिर से ड्रिजलिंग हो गई, फिर से बारिश शुरू। हाँ कर लिया, ये वाला भी करना है। हाँ। ये टिक द बॉक्स विद द थिंग एंड क्रॉस आउट द बॉक्स विद मेनी थिंग्स, ठीक है। अब देखना तुम्हें पड़ेगा अम्ब्रेला अम्ब्रेलाज, ठीक है, ये ऐसे करना है तुम्हें। मिताशी की तो तबीयत खराब है, आरव की भी खराब है, इनके पापा की भी खराब है, मेरी नहीं खराब है, मिताशी करी आपकी तो नहीं खराब है। और मेरी हालत ऐसे उजड़ा चमन हो रही है, वैसे भी रहती है लेकिन अभी सबकी तबीयत खराब है। तो मतलब घर में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, बट एक्टिव सबसे ज्यादा मैं ही हूँ, काम करना पड़ रहा है। और इनके पापा की भी तबीयत खराब है, सबको सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है। पेंसिल वही होगी ना बेटा, तो मुझे नहीं पता ये व्लॉग भी मैं आज पूरा कर पाऊंगी कि नहीं। मैं कैमरा उठा के हर दिन का होता मेरा, मैं 2-3 सेकंड या 50 सेकंड या 1-2 मिनट का शूट करके फिर मेरा रह जाता है। और हमारा सोसाइटी का भी कुछ दिन पहले बारिश काफ़ी हो रही थी, मतलब अराउंड 10 डेज बैक, उस दिन भी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था अपना, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ उस टाइम पे। तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब थी, एज इन हमारी लिफ्ट बंद थी ऑलमोस्ट 15 डेज से, बीच में 1-2 दिन चली थी, ऐसा नहीं कंटिन्यूस बंद थी, बट लिफ्ट बंद थी। और हम 10th फ्लोर पे रहते हैं और 10th फ्लोर तक आना इट्स सो टफ, अपना खुद को आना इतना टफ है, साथ में अगर आपके बच्चे भी हों सामान भी हो। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गई थी तभी फर्स्ट डे था और मुझे पता चला लिफ्ट बंद है, लेकिन जाना था तो मैं चली गई दोनों को लेके नीचे। नीचे पूछा मैंने, उन्होंने बोला ठीक हो जाएगी, बट जब तक हम वापस आए अराउंड 1 आवर तब भी वो ठीक नहीं हुई थी। और हम पूरा लिफ्ट से ऊपर, मतलब सीढ़ी से ऊपर तक आए। 1-2 लिखना है, आजकल आरव को भी पढ़ाई का शौक चढ़ा है तो उसको 1-2 लिखना है कि मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। 2 उसे अभी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हाँ वो 1-2 बोल लेता है 10 तक, तो वो मुझे कह रहा है कि मुझे 1-2 लिखवाओ। तो आप जाके देखिए कि हम कैसे पूरा ग्राउंड से ऊपर तक हम चढ़ के आए हैं। इनफैक्ट आरव भी चढ़ के आया है, वो पहला दिन था, उसके बाद कंटिन्यूस 15 डेज तक यही चला है। और वो दिन भी मैं ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी, और मैं यही सोची थी कि मैं छोड़ देती हूँ बीच में ब्लॉग, आप जाइए वो क्लिप्स देख के आइए हम पूरा कैसे हालत ख़राब में ऊपर तक चढ़ के आए थे। आराम से बेटा चलो। एक तो हमारी ये सोसाइटी अजब ही गजब है, लिफ्ट कभी काम करती है कभी नहीं करती है। जाते समय भी नहीं काम कर रही थी तो मैं उतर आई थी 10th फ्लोर से,
अब वापस आए हैं तो भी नहीं काम कर रही है, मैं बाहर गई थी बच्चों को लेके, और अब हमें 10th फ्लोर तक ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। हेड्स ऑफ टू आरव कि वो चढ़ रहा है, ये अभी 2nd फ्लोर ही है, हमें 10th तक जाना है। चलो चलो, नो नो नो, वॉक वॉक मिताशी, चलो बेटा, हाँ चलो बेटा आरव, चलो। आरव ने मेरी बिंदी लगाई है और हम ऊपर चढ़ रहे हैं। आरव संभाल के बेटा 10th फ्लोर तक, अभी और आधे घंटे लगेंगे लिफ्ट बनने में, और बहुत देर से वो वैसे ही ख़राब है, यहाँ पे कभी कुछ चलता है कभी कुछ नहीं चलता, लोग कैसे रह रहे हैं वही जानते हैं। हम यहाँ तक चढ़ के आ गए हैं, ये है 7th फ्लोर, आप देख सकते हैं 701, और आरव यहाँ तक अभी तक तो चल के आया है, आगे भी आई होप चलेगा ही चलेगा, वो बट उतरते टाइम ये पूरा गोदी में उतर के आया था। चलो बेटा चलो, मिताशी भी चल रही है आराम से, स्लोली 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 स्लोली, होल्ड होल्ड एंड देन वॉक आरव। और हम ये आ गए हैं 9th फ्लोर पे, और जो पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनको बता दूं, आरव अभी 2 साल का भी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है, 23 तारीख को हो जाएगा वो 2 साल का, और वो पूरा 10th फ्लोर ग्राउंड से चढ़ के आया है। ये देखिए कितने क्विकली क्विकली अब ये चढ़ रहा है। एक तो अभी हम इलाहाबाद से आए हैं ना, तो वहाँ से यह सीढ़ी ऊपर नीचे बहुत करता था, तो वहीं से ये प्रो हो गया है, मैं खुद हाँफ रही हूँ। और ये रहा हमारा घर, आ गए, चलो 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 चलो, गुड बॉय, चलो। ये फाइनल सीढ़ी, आगे घर आ रहा है, चलो 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 चलो, घर आ गए बेटा, उसको लग रहा है एक सीढ़ी और चढ़ना है, आ जाओ आ जाओ आरव आओ। फाइनली देखिए ये पूरा चढ़ के आया बेचारा, और सोच रहा है अभी और चढ़ना है, आगे पसीने पसीने हो रखे हैं, घर आ गए। चलो चलो बेटा, शूज उतारना है क्या? बर्ड्स, बर्ड है या बर्ड्स हैं? बर्ड्स, हाँ, सो सर्कल द करेक्ट वर्ड, क्या आपको क्या चाहिए, क्या कर लिया आपने, हो गया आपका 1 2 वन टू कंप्लीट हो गया, लो दिखाओ। आरव भाई सब कर रहे हैं, हाँ ये क्या है, हाँ सिंगल सिंगल गिफ्ट है, करेक्ट, और ये वाला कंप्लीट किया, कौन सा? वो करो, टर्न करो पेज, ये बताया था मैंने, हाँ दिखाओ, सही किया, हाँ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला चाहिए, कफ बहुत तो रखा है इन लोगों को, जबकि मेडिसिन लेके आई हूँ मैं, और इनकी 1 हफ्ते से चल रही है मेडिसिन, मिताशी को तो दोबारा हुआ है ठीक होके। एक मिनट, क्या है, इज एम एन आर, यू हैव टू मैच द करेक्ट वर्ड, मिताशी क्या होता है, इट एम होता है या इट आर होता है या इट इज होता है? इट इज, वेरी गुड, ओके मैच इट, ओके, सो वी के साथ व्हाट वी यूज, वी एम और वी आर और वी इज, वी एम गोइंग और वी आर, वी आर गोइंग और वी इज गोइंग, वी आर गोइंग, यस मैच, गुड, पता है तो फिर आप पढ़ो ना, टी एच आई एस को क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द आई एम, व्हाट इज दिस, दिस स्पेलिंग देखो ना, क्या टी एच आई एस, दिस 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 के साथ क्या यूज करेंगे, दिस एम, दिस एम, दिस एम बॉक्स, दिस एम बॉक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, उसके बाद दे के साथ क्या यूज करेंगे, दे कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज दे, यस व्हेन दे आर मोर देन 1 or 2 पीपल वी यूज दे, देन व्हाट विल वी यूज विद ही, चलो ही, वेरी गुड आरव, बेटा अब तुमको हर जगह करना है, तुम एकदम कूदे आ रहे हो मेरे ऊपर, चलिए मैं आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी आरव का सोने का भी टाइम है, इसको सुलाना है मुझे, चलो नीनी करना है, नीनी करना है, नींद आई है, क्यों, अच्छा दवा पियोगे, दवा पी लो, मेडिसिन पीनी है, मेडिसिन आ रही,
यहाँ पे मैं इन लोगों को सुलाने लाई हूँ, मुझे खुद को नींद आ रही है, सोने के एकदम मूड में नहीं है। मिताशी तुमने क्यों खोला है ये देखो, वो पूरा इसको क्रीम की तरह लगाता है बेटा, समझ नहीं आता तुम्हें। लेटो चलो, बाबा बुलाऊं। बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, लाई डाउन आरव। तो दोपहर में मैं सो ला के सबको उठ के खाना वाना खाया था, और अब हो गई शाम, बाहर अंधेरा हो गया आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय शाम की, और ठंड इस टाइम ज़्यादा हो गई है। मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा सा गले में खराश हो रहा है, अभी मैंने दवा ली है, वही वो सिरप पिया है, बोलने में भी अब दिक्कत हो रही है थोड़ी। आ रहा हूँ सो के, उठ के खाना खा के ये दोबारा से सेकेंड ट्रिप में अभी भी सो रहा है। शाम की तैयारी करनी है खाने की, खाली रोटी बनानी है, सब्जी मेरे पास ऑलरेडी है तो नहीं बनाना पड़ेगा सब्जी। मौसम ही थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब, ऐसी गलन वाली ठंड नहीं है जैसे नॉर्थ में होती है, बट यहाँ ठंड पड़ रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम वाला ऐसा ही चल रहा है बस। तो अब मैं चाय बना लूँ, फिर हम चाय पीते हैं। देखिए आरव उठ के, अभी क्या, अभी मैं बोल ही रही थी सो के उठा, अरे गोदी ले रही हूँ, आओ आओ गोदी ले लूँ, आओ आओ गोदी ले लूँ बेटा, अभी आ गए यहाँ पे, आओ मेरा गुड्डा, यहाँ बैठेगा बैठो। गोदी ले लिया मैंने, भाई सबको गोदी आना है, क्योंकि गोदी गोदी चाय बन गई, मैंने निकाली थी, मैं देने ही जाने वाली थी पापा को और आरव, अरे सॉरी पापा को और अमित को, मैं चाय दे के आती हूँ। यहाँ पे मिताशी खा रही है चाय और रस, क्योंकि कफ की वजह से दूध नहीं पी पा रही है, डॉक्टर ने मना किया है। मिठो सही लग रहा है चाय के साथ, फर्स्ट टाइम चाय पी रही है। हाँ सॉरी, वही चाय के साथ सिर्फ खा रही, चाय पी नहीं रही है बेचारी, इसका दूध का कप है। बेटा ये आरव पास में आ गया उछल के, बाय अभी नहीं बेटा, बाय कर रहा है वो वीडियो क्लोजिंग। गुड्डा लोगों को अब सुबह के बाद अब जाके बांध दिया गया है, खाना पानी हो गया ब्रूनो, और वो बैठे देख रहे हैं कि उनको भी मौका मिल जाए, यहीं आके बैठना है, वहीं बैठो अपनी जगह पे। इनको भी अब चाय से ही खाना है भाई, तो पहले पहले ये फिनिश करो, इतना फिनिश करो, इतना। सो नथिंग मोर टू शो इन दिस व्लॉग, अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। गुड बाय, हम सबकी तबीयत ही देख के वीडियो पूरा देखिएगा। गुड बाय, बाय करते मिताशी, आरव से बाय बाय।